सो हाय एवरीवन, मैं हूँ रघुनाथ। तो आज का बहुत बड़ी शानदार टॉपिक है, हम लोग वर्सेटाइल करेंगे वर्सेस करेंगे मोबाइल अप वर्सेस वेबसाइट, कौन सा पहले सीखना चाहिए और कौन सा पहले बनाना चाहिए। ये बिजनेस ओनर और स्टूडेंट के लिए है और फ्रीलांसर भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, दुर्गा पूजा था उसके बाद तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहा इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी एक वीडियो रेडी कर रहा हूँ आप लोग के लिए, और कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो बिजनेस ओनर के व्यू से मैं पहले देखना चाहता हूँ, क्योंकि 5 साल हो गया मैं इस मार्केट में फील्ड में अभी भी हूँ और बिजनेस रिसर्च और डेवलपमेंट लेवल में काम ही करता हूँ, बिजनेस को एनालाइज करता हूँ, इसलिए मुझे इसके ऊपर मार्केट का अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरह से, मुझे तो लगता है थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं है बट थोड़ा बहुत मुझे मार्केट का अंडरस्टैंडिंग अभी है। इसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ आगे जो फ्यूचर क्या होने वाला है। तो कोई भी जो बिजनेसमैन आता है ना, उसके पास इतना बड़ा पैसा नहीं होता है, इतना बड़ा पैसा नहीं होता है कि वो एक अच्छा हाई क्वालिटी मोबाइल एप्लीकेशन बना पाए, क्योंकि स्टार्टअप कंपनी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। पर डे आप देखेंगे 100 डोमेन खरीदा जाता है, तो उससे 30 डोमेन ई कॉमर्स के ऊपर आता है, और ई कॉमर्स सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन का जरूरी होता है, पर लोग मोबाइल एप्लीकेशन ई कॉमर्स का इंस्टॉल नहीं करते हैं। आप देख लेंगे 90% जो यूजर रजिस्ट्रेशन मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर में है, आप लोग देखेंगे फर्स्ट 10 आप ही लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं और नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये सारी चीज़ फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, अमेजोन में अवेलेबल है, तो क्यों हम लोग अलग एप्लीकेशन करें, क्योंकि प्रोडक्ट भी सेम हो जाते हैं। लोग चाहते हैं थोड़ा कम रहे, मोबाइल स्पीड चले, तो इसलिए लोग नहीं करते। इसके वजह से मोबाइल एप्लीकेशन इतना प्रॉफिटेबल इंडिया के मार्केट में हुआ नहीं है। बट इफ़ यू आर ए यूनिक आइडिया मेकर, आपका कोई ऐसे बिजनेस है जो कम्प्लीटली यूनिक है, आपका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेके आप मोबाइल एप्लीकेशन में बना सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस है, जैसे लास्ट टाइम हमने बनाया था एक पेट केयर इंडस्ट्री के ऊपर, वहाँ पर बहुत बड़ी इसका जरूरत था, क्योंकि ऐसे कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर में नहीं है। कोई आपका यूनिक आइडिया है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। एक बार मोबाइल एप्लीकेशन में लोग बढ़ जाए ना, आपको बहुत प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। ये फास्ट फायदा है मोबाइल एप्लीकेशन में। और वेबसाइट में क्या होता है, आप कम पैसा में शुरू कर सकते हैं। एक बिजनेस ओनर क्या पहले सोचता है ना, जितना हो सके वो पैसा बचाने का ट्राई करता है, उसके बाद क्योंकि पैसा कमाने से ज़्यादा बचाना इजी है, तो पैसा कमाने सेल होगा उसके लिए मार्केटिंग भी खर्चा करना पड़ता है, तो पहले वो ट्राई करता है कि डेवलपमेंट से थोड़ा कॉस्टिंग बचाऊं, क्योंकि जब सेल आदान प्रदान होने लगेगा तो वो कंपनी को बहुत बड़ा कर सकता है। बट बिफोर कुछ प्रॉफिट होने से पहले इन्वेस्ट करने के लिए हर किसी को डर लगता है, तो मोबाइल ऐप इसके लिए सबसे अच्छा चीज़ नहीं लगता है मुझे, उसके लिए वेबसाइट सबसे अच्छा है। वेबसाइट रिलीज कीजिए, वेबसाइट रिलीज करने के बाद उससे ही पैसा आना शुरू हो जाता है। एक बार सेलिंग शुरू हो जाए उसी पे ही ऐड चलाइए, क्योंकि आप डायरेक्ट ऐड मोबाइल एप्लीकेशन का चलाएंगे तो बहुत अच्छा खासा पैसा लग जाता है। तो वहाँ पे एक एक मैं देखा हूँ बहुत सारे, जैसे बिल विटा का मैं रिसर्च कर रहा था, उनका पॉइंट देखा, उन लोग क्या करते हैं ना, वेबसाइट में जो जाता है पहले वेबसाइट में लेके जाते हैं, कोई वेबसाइट में जाता है तो उसको 50 रुपये कूपन कोड देते हैं, दिस कूपन ओनली फॉर एप्लीकेशन, तो कोई 50 रुपये मिलेगा ना, प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा और 50 रुपया मिलेगा तो वो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, ये गारंटी होता है। बट यहाँ पे आप लोग को ऐड कॉस्टिंग में क्या चले जाता है ना, सिर्फ क्लिक में ही आपका ऐड का पैसा चला जाता है, इसलिए बहुत लॉसेस है। तो इसलिए इस तरह की प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, और आपको मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कोई भी हेल्प चाहिए, आपका बिजनेस को डिजिटलाइजेशन करना है, तो नीचे दिया गया नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, फ्री कंसल्टेशन है, आप जब भी चाहे कॉल कर सकते हैं। उसके आ जाते हैं स्टूडेंट व्यू के ऊपर, हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट व्यू क्या होता है ना, एज ए जॉब अच्छा जॉब चाहिए, फ्रीलांसर व्यू में तो दोनों को आपको सीखना पड़ेगा दोनों, क्योंकि कोई भी कस्टमर को कुछ भी जरूरत हो सकता है। एज ए स्टूडेंट व्यू आपको अच्छा जॉब चाहिए, तो अच्छे जॉब के लिए आपको अच्छा खासा सीखना भी चाहिए, वेबसाइट में भी जा सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में भी जा सकते हैं। बट आपको मोबाइल एप्लीकेशन ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में कंपटीशन थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप रिएक्ट नेटिव सीख जाते हैं तो वहाँ पे आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं, तो कंपनी इसी तरह चीज़ को फॉलो करता है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो आप मोबाइल एप्लीकेशन सीख सकते हैं, बट मुझे लगता है वेबसाइट में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है, बट मोबाइल एप्लीकेशन सीखेंगे तो आपका सैलरी ज़्यादा रहेगा, तो दोनों को आपको डिसाइड करना है। आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीखते हैं तो आपको थोड़ा सैलरी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट आप एप्लीकेशन सीखते हैं तो आपको जॉब के ऊपर थोड़ा इंटरव्यू वगैरह ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कुछ भी डाउट आए, कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी हेल्प डिजिटलाइजेशन के लिए चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए लॉन भाई चैनल को। थैंक यू।